जय हिंद। देखिए आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं दोस्तों बीएससी पार्ट टू का जो है दोस्तों बताएंगे पार्ट टू वीडियो। इसका पार्ट वन वीडियो अपलोड कर चुके हैं, इसका पार्ट टू वीडियो है जो 2022 का एग्जाम देने जाइएगा 26 दिसंबर 2022 को, उसके लिए ये पार्ट टू वीडियो बना है। पार्ट वन अपलोड है चैनल पे, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहता है, तो आज उसी पार्ट वन वीडियो को पार्ट टू करने जा रहे हैं। और पार्ट वन वीडियो में एक क्वेश्चन से लेकर 50 तक का आंसर बताए थे, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे 51 से लेके 100 तक का परफेक्ट आंसर इससे बताएंगे बुक से। तो हम इस पे जो है डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपको हम ये चीज बता देते हैं कि 2021 का जो क्वेश्चन पूछा गया था पार्ट टू में, वो चीज हम वीडियो बना के डाल दिए हैं और उसका परफेक्ट आंसर आप उसका आंसर देख लीजिएगा। तो हम चलते हैं 51 नंबर के क्वेश्चन पे। 51 नंबर का क्वेश्चन एलसीआर सर्किट में पूछ रहा है इंक्रीज के लिए, तो इसका परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा इंक्रीज आर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 51 का। पहले हम आपको बता देते हैं सारा, जो जो एलएनजे कॉलेज झंझारपुर से जा रहे हैं वो सब कॉमेंट कर दीजिएगा। एलएनजे कॉलेज झंझारपुर में जो है उससे एग्जाम जो हो रहा है वो आपको लुट्टन झा कॉलेज ननौर करके कुछ होगा वहाँ पे एग्जाम होता है, तो वो सब कमेंट कर दीजिएगा। या 26 दिसंबर को जो है आप सब वहाँ एग्जाम देने जाइएगा बीएससी पार्ट टू का फिजिक्स सब्सिडरी का। ये क्वेश्चन ये जो है फिजिक्स सब्सिडरी का ही वीडियो है पार्ट टू के लिए, तो ये वीडियो आप देख लीजिए, इससे क्वेश्चन बहुत सारा रहता है और आपको इसी बुक से ही आंसर रहता है। ये बुक के बात करेंगे, ये रेखा का गेस पेपर है, कुछ इस तरह से है, देख सकते हैं। बीएससी पार्ट टू सब्सिडरी और जनरल के लिए एलएनएमयू दरभंगा मिथिला यूनिवर्सिटी के लिए है। अब चलते हैं, हम यहाँ तक बता दिए थे, चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे। इसका राइट आंसर देखेंगे एलसीआर सर्किट में जो है वहाँ इंक्रीज वाला था, यहाँ पे सर्किट का है करंट के लिए, इसका राइट आंसर देखेंगे तो 3 नंबर हो जाएगा। चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे, इसका परफेक्ट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलती है 54 नंबर क्वेश्चन पे, 54 नंबर का क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो देखेंगे तो बी नंबर हो जाएगा। आप देख लीजिए, क्वेश्चन हम नहीं बोलते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको हम केवल आंसर बता देते हैं, आप केवल देख लीजिए, आप उसको समझ लीजिएगा। दोस्तों आपको एक चीज और बता देते हैं, ये ब्रिज से जो है क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन 2021 में भी पूछा हुआ था ब्रिज से क्वेश्चन, इस बार भी पूछेगा ब्रिज से क्वेश्चन रहता है। तो 55 नंबर का राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 55। 56 का भी ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसका जो है 56 नंबर का राइट आंसर देखेंगे तो एंडरसन ब्रिज हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो है ये क्वेश्चन पूछा गया भी है 2021 में, देख लीजिएगा उस वीडियो में, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ए पे मिलेगा आपको। 57 नंबर का राइट आंसर देखेंगे तो यहाँ पे है म्यू लेस देन म्यू होगा, राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। 58 नंबर का राइट आंसर देखेंगे तो ऑल 3 मतलब ए बी सी तीनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। 59 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर देखेंगे तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ई भी हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा दूसरा। 60 नंबर का राइट आंसर देखेंगे तो फर्स्ट वाला हो जाएगा 60 का आंसर। 61 नंबर का क्वेश्चन जो है पूछने वाला है, ये केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन पूछता है और इसमें भी, फार्मूला इसका होता है न्यूट्रॉन वाला बराबर होता है ए माइनस जेड, न्यूट्रॉन बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या, जेड का मतलब परमाणु संख्या, यहाँ पे ए का मतलब परमाणु द्रव्यमान, इस फार्मूला पे बनता है। एन बराबर अगर देखेंगे तो यहाँ पे 23 दिया है ए का मान और जेड का मान 11 दिया है, घटाएंगे तो ये 12 बच जाएगा, 12 न्यूट्रॉन, एन फोर न्यूट्रॉन होता है तो इसका राइट आंसर 12 हो जाएगा न्यूट्रॉन, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ये फार्मूला भी पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में। चलते हैं अगला, ये क्वेश्चन देखेंगे तो ये द हाफ लाइफ ऑफ आइसोटॉप्स का जो है अगर देखेंगे ये क्रिया कितना देर में होता है, तो हाफ लाइफ है तो इसका हाफ आवर लगता है, फुल लाइफ रहता है तो 1 आवर लगता है, तो इसका 30 मिनट हो जाएगा हाफ आवर के लिए। 63 नंबर का राइट आंसर देखेंगे तो एक हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर। 64 नंबर का राइट आंसर देखेंगे तो फर्स्ट वाला हो जाएगा। 65 नंबर का देखेंगे राइट आंसर तो सेकेंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिक्रीज होता है। और यहाँ पे 66 नंबर का राइट आंसर देखेंगे तो टेम्परेचर हो जाएगा इसका राइट आंसर, रेडियो एक्टिव
वाला क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। 67 नंबर का क्वेश्चन है एटॉमिक मास यूनिट इज द यूनिट ऑफ, इसका मास हो जाएगा राइट आंसर परफेक्ट, 67 का ए नंबर हो जाएगा परफेक्ट आंसर। 68 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर जो है हो जाएगा 100% यहाँ पे जीएम काउंटर के लिए। 69 नंबर का राइट आंसर देखेंगे तो रिकवरी टाइम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 70 नंबर का राइट आंसर देखेंगे तो गामा रेडिएशन हो जाएगा यहाँ पे। और 71 नंबर का ये फार्मूला होता है तो इसका राइट आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा, बेंडिंग एनर्जी इज गिवन देन इसका। चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन में, 72 का राइट आंसर हो जाएगा मास नंबर ऑप्शन नंबर ये। 73 नंबर का राइट आंसर देखेंगे तो ए वाला हो जाएगा। 74 का राइट आंसर देखेंगे तो टेन थीटा होगा और ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन इसका टेन थीटा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 75 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्वार्टर जी ये पूछ रहा है तो पोजिशन राइट आंसर ये हो जाएगा पॉजिटिव। चलते हैं 76 नंबर का यहाँ पे तो इसका राइट आंसर देखेंगे 76 का तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 77 का राइट आंसर देखेंगे तो एक हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो इसका राइट आंसर दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है परफेक्ट आंसर इसका। 79 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे तो ये क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में भी बताए थे, 1/λ⁴ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 79 का, तो 79 का परफेक्ट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। 80 नंबर का राइट आंसर देखेंगे तो π/2 हो जाएगा। 2021 में जो क्वेश्चन पूछा था उसका राइट आंसर पाई हो जाएगा, 180 डिग्री होगा, लेकिन इसका 90 डिग्री होता है इसका राइट आंसर, तो ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 81 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे तो 81 का परफेक्ट आंसर जो है पाई हो जाएगा। यही क्वेश्चन जो है पूछा हुआ था 2021 के एग्जाम में पूछा है, तो इसी टाइप का है, पाई आंसर था, देख लेना उसमें 2021 वाला वीडियो में। 81 नंबर का क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर पाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हो जाएगा। अब चलते हैं ये क्वेश्चन, इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2021 में, तो देखते हैं इसका राइट आंसर देखेंगे इस क्वेश्चन का तो 90 डिग्री होगा, इस पे भी बताए होंगे वीडियो, देख लीजिएगा। 83 नंबर का परफेक्ट आंसर का बात करेंगे तो यहाँ पे सेम वेलोसिटी होगा, मतलब समान वेग हो जाएगा, राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। अब 84 नंबर का राइट आंसर देखेंगे तो इसका भी एक्स रे हो जाएगा, मतलब एक्स किरण हो जाएगा यहाँ पे। 85 का राइट आंसर देखेंगे तो इक्वल सी हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर। 86 का राइट आंसर देखेंगे तो थर्ड नंबर का हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन गन हो जाएगा यहाँ पे। 87 नंबर का राइट आंसर का बात करेंगे तो ये 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। 88 का राइट आंसर का यदि बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फिलामेंट करेंट हो जाएगा। 89 नंबर का राइट आंसर का बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इंटेंसिटी हो जाएगा। 90 नंबर का राइट आंसर का बात करेंगे तो यहाँ पे 2000 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 नंबर हो जाएगा। 91 का राइट आंसर का बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, काइनेटिक्स एनर्जी यहाँ पे। 92 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे तो इसका भी राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। और 93 का क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है पूछा नहीं है, शायद हो सकता है 30 बार पूछ सकता है, ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर फाइव बराबर माइनस रोबर्ट भी। इसका एक और फॉर्मूला होता है तो उसमें भी, उसमें बराबर में पी रहता है, वो फार्मूला कम चांस है पूछने का, लेकिन ये वाला पूछते रहता है। तो 93 94 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे तो राइट आंसर इसका वेक्टर डी बराबर एफ साइलेंट नोट वेक्टर ई प्लस वेक्टर पी हो जाएगा, राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। 95 नंबर का राइट आंसर का बात करेंगे तो 3 नंबर का हो जाएगा, हाफ म्यू एच स्क्वायर होता है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर 96 नंबर का क्वेश्चन पे। 96 नंबर का बात करेंगे तो इसका राइट आंसर का बात करेंगे तो एम्पियर हो जाएगा इसका राइट आंसर। 97 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे राइट आंसर तो 4 नंबर हो जाएगा। 98 का परफेक्ट आंसर भी 4 नंबर हो जाएगा। 99 का देखेंगे तो थॉमसन वाला से क्वेश्चन रहता है, इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। और 100 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर का बात करेंगे तो 1591 हर्ज होगा। तो इस वीडियो में हम आपको बता दिया 100 तक क्वेश्चन, ये पार्ट टू वीडियो था 2022 एग्जाम वालों के लिए, तो पार्ट टू वीडियो आप देख लीजिए। पार्ट वन वीडियो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, इसमें हम आपको बता चुके हैं जो जो स्टूडेंट 26 दिसंबर को 2022 को एग्जाम देने जाइएगा लुट्टन झा कॉलेज ननौर एलएनजे कॉलेज से, उस सब के लिए ये वीडियो डाल दिया। आई होप, मुझे आशा है आप अच्छे से समझ गए होंगे पार्ट टू वीडियो, और पार्ट वन वीडियो भी आप सब देख लीजिएगा। तो करता हूँ वीडियो को यहीं से समाप्त।